हेलो दोस्तों, आज की इसी वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इसी वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं मदरसन स्वामी लिमिटेड शेयर के बारे में। यहाँ पर दोस्तों ये स्टॉक के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों ये मार्केट क्रैश से पहले इस स्टॉक के अंदर लगातार आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुका है। लगातार स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों आज की ट्रेडिंग सेशन में भी स्टॉक के अंदर गिरावट हुआ है। यहाँ पर 3% का गिरावट हो चुका है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर एक महीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर लगभग 15% का गिरावट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 44% के स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैसिव गिरावट हो चुका है दोस्तों। काफ़ी बड़ा यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल चुका है। और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 साल की चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पिछले 1 साल की चार्ट पैटर्न पर आपको यहाँ पर भी 48% का गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि मान के चलिए दोस्तों यहाँ पर 50% का गिरावट हो चुका है। यानी कि दोस्तों स्टॉक अभी अपनी 50% स्टॉक के अंदर करेक्शन हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिछले 5 साल की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर भी स्टॉक नेगेटिव में आ चुका है। यहाँ पर भी 39% का गिरावट हो चुका है। और बाकी दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम पर आप देख सकते हो इतने बड़े गिरावट के बावजूद भी दोस्तों यहाँ पर आप देख लेना यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर अभी भी 1,00,000% के रिटर्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक के चार्ट पैटर्न को कंसीडर करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर ये जो गिरावट हुआ था कोविड के टाइम पर ये रिसेशन हुआ था, तभी के टाइम पर स्टॉक इतना ही ज़्यादा नीचे गिरा था। यहाँ पर 66 की प्राइस रेंज तक आ चुका था। और फिर कोविड के बाद दोस्तों ये जो एक स्टॉक के अंदर रिकवरी हुआ फिर दोस्तों इसी रेंज तक आया, जो कि स्टॉक के लिए एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लिया दोस्तों तभी के टाइम पे स्टॉक के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। और बाकी दोस्तों स्टॉक अगर नीचे आ जाता है और एक रिसेशन के टाइम पर दोस्तों स्टॉक अगर इसी रेंज तक आ जाता है, जो कि दोस्तों आना नहीं चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर ऐसी रेंज तक आ जाता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर वैल्यू बाइंग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है, जो कि ऐसे भी बात करें दोस्तों यहाँ पर इसी सपोर्ट को ब्रेकडाउन ले चुका है। यहाँ पर अगर कंसीडर करोगे तो इसी लेवल को एक स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकडाउन ले चुका है। और बाकी दोस्तों स्टॉक के लिए जो अच्छा सपोर्ट रहेगा अभी के टाइम पे अगर बात करें तो साइकोलॉजिकल साथ साथ यहाँ पर 100 का जो प्राइस रहेगा, यहाँ पर साइकोलॉजिकल के साथ साथ यहाँ पर टेक्निकली भी एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो उसके ऊपर आप जरूर कंसिडर करिएगा। और ऐसे भी दोस्तों आज की वीडियो में स्टॉक के चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे, तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए। और उसी के साथ दोस्तों अगर ये चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि दोस्तों हमारे चैनल पर बनने वाले हर एक नए वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ पर स्टॉक के अवार्ड में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में यहाँ पर कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट है। यहाँ पर दोस्तों दिसंबर की क्वार्टर तक आपको देखने को मिलेगा, जो कि ये जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है कल की डेट पर अनाउंसमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों कल की ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर एक इवेंट है, इसके ऊपर आप जरूर कंसिडर करिएगा। स्टॉक के अंदर जो गिरावट हो रहा है और कल के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों अगर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलता है तो फिर ये जो ट्रेंड है फिर से ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा तेजी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस। आप देख सकते हो यहाँ पर कंपनी का सेल्स लगातार आपको इंक्रीजमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों दिसंबर 2020 के ईयर में यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पर 17,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पर सेल्स देखने को मिला था, जबकि उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट हो रहा था। लेकिन दोस्तों पिछले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर थ्री के रिजल्ट पर यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेल्स किया है। और उसी के सामने दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी कंपनी बहुत ही अच्छा सेल्स और नेट प्रॉफिट मेंटेन रखा है। हालांकि दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट में आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। अभी तक तो आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही अच्छा नेट प्रॉफिट किया था, करीबन दोस्तों 800 करोड़ के आसपास किया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 714 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और तभी से दोस्तों यहाँ पर नेट प्रॉफिट में डिक्रीजमेंट आया है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे आ रहा है। और बाकी दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो लगातार कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में एक दो महीना यानी कि एक दो क्वार्टर आपको ख़राब देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ओवरऑल जो यहाँ पर सिनेरियो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देख सकते हो मार्च 2010 से लेकर मार्च 2022 तक आप देख सकते हो, यहाँ पर 21 तक है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों इसको आप राडार पर जरूर देखिएगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि आज की ट्रेडिंग सेशन दोस्तों, क्योंकि आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो
कॉल की ट्रेडिंग सेशन यानी कि आज के ट्रेडिंग सेशन में है, जो कि डेट दोस्तों यहां पर 26 यानी कि आज की ट्रेडिंग सेशन में इसमें अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इसके ऊपर दोस्तों आप जरूर कंसीडर करिएगा। तो फिलहाल यहां पर दोस्तों नेट प्रॉफिट देख सकते हो, और यहां पर बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो पिछले साल से यहाँ पर बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंक्रीजमेंट हुआ है, जबकि उसके सामने यहाँ पर सेल्स भी देख सकते हो, सेल्स लगातार इंक्रीजमेंट हुआ है। कहाँ तक आप देख सकते हो लगातार कंपनी का सेल्स इंक्रीजमेंट हुआ है। और उसके बाद दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कंपनी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो प्रोमोटर के पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग है। तो यहाँ पर मार्च की क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है, यहाँ पर 68% का होल्डिंग हो चुका है, जबकि इसमें जो एग्जिस्ट हुए हैं यहाँ पर FII वालों ने अपने स्टेक को घटाया है, और उसके बाद यहाँ पर DII वालों ने भी अपने स्टेक को घटाया है, जो कि यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है प्रोमोटर के पास। प्रोमोटर स्टॉक के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टेड रह चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पर पब्लिक के पास देख सकते हो 11% की होल्डिंग हो चुका है। तो फिलहाल दोस्तों ये दोनों ने स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं, जो कि FII और DII। तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट वैल्यू कंपनी का अच्छा खासा है, यहाँ पर 54,000 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद देख सकते हो 52 वीक के अंदर भी बहुत अच्छा रैली देखने को मिल चुका है, और अभी के टाइम पे 52 वीक के लो के आसपास आ चुका है। और दोस्तों इंडस्ट्री का पी देख सकते हो, यानी कि स्टॉक का पी यहाँ पर 37 है, और इंडस्ट्री के पी की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 पे है, जो कि स्टॉक अभी थोड़ा सा यहाँ पर ओवर वैल्यूड में अभी भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अपने सेक्टर का ही कंपनी लीडर है, यहाँ पर आप देख सकते हो मदरसन सोमी फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है, फिर उसके बाद बोस, फिर उसके बाद मिंडा इंडस्ट्री। तो फिलहाल यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो, मार्केट लीडर है, ऑटो एंसिलरी में कंपनी मार्केट लीडर है। फिर उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कंपनी का ROC ROE अभी के टाइम पर थोड़ा सा डिक्रीजमेंट हो चुका है। यहाँ पर अगर देखोगे दोस्तों ROC ROE यहाँ पर आप देख सकते हो अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डिक्रीजमेंट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों 11% अगर होता है यहाँ पर ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन दोस्तों 11% से नीचे गिर चुका है, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर दोस्तों डेट मनी जितना है उतना ही यहाँ पर रिजर्व मनी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और बाकी दोस्तों फंडामेंटली कुछ भी ख़राब नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर प्लस परसेंटेज देखने को मिलेगा प्रोमोटर का होल्डिंग। और बाकी दोस्तों कंपनी फाइनेंशियली स्टेटस पर अच्छा है, और ऐसे कंपनी दोस्तों आगे चलकर आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। स्टॉक ऐसे भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, करीबन दोस्तों इसमें 50% का गिरावट हो चुका है, और इतना अच्छा दोस्तों यानी कि इतना ज़्यादा स्टॉक के अंदर गिरावट होना नहीं चाहिए था, फिर भी गिरावट हो चुका है। और अगर दोस्तों और थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और 10% का इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद स्टॉक और भी करेक्शन नहीं होगा। तो फिलहाल आगे जो स्टॉक का ट्रेंड होगा फिर से आपको बहुत ही अच्छा तेजी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए स्टॉक के ऊपर आप कंसीडर कर सकते हो, और आगे दोस्तों स्टॉक का जो प्राइस होगा यानी कि रिटर्न होगा वो आपको बहुत ही अच्छा देता हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए दोस्तों आप 100 के लेवल तक वेट कर सकते हो, स्टॉक अगर उसी रेंज तक आ जाता है तो फिलहाल उसके ऊपर आप जरूर कंसीडर कर सकते हो, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ही अच्छा एक वैल्यू बाइंग हो सकता है। और ऐसे भी दोस्तों आज की ट्रेडिंग सेशन में इसमें Q4 का रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो इसके ऊपर भी आप जरूर कंसीडर करिए। Q4 के रिजल्ट में अगर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है तो फिर वापस से दोस्तों इसमें एक बहुत ही अच्छा तेजी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।